हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर आर अकेडमी फिरोजाबाद में। आज की क्लास में हम कराने वाले हैं नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 1 और 2 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, एक फार्म में गाय व मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं, सिर गिने जाएं तो 180 हैं, यदि पैर गिने जाएं तो 420 हैं। पैर कितने हैं? 420 और सिर 180 हैं। तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? फार्म में गायों की कुल संख्या पूछी है। तो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में एक फॉर्मूला बताया था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो जब भी आपसे सिर और पैरों वाले क्वेश्चन दिए जाएं और पूछा जाए गायों की संख्या या मुर्गियों की संख्या एक्स वाई जेड किसी की भी संख्या, तो किस तरीके से निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है। कुल पैर, कुल पैर कितने हैं? 420। कुल पैर बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? 180। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है 4 पैर वाले। इससे क्या निकल के आता है? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आती है। 2 से ये कैंसिल किया, ये हो गया 210। 210 में से 180 घटाए तो ये हो गया 30। 30 क्या है हमारे? गायों की संख्या पूछी है, 30 गाय। गाय कितनी है हमारी? 30 गाय हैं। यदि यहीं पे मुर्गियों की बात पूछता कि मुर्गियां कितनी हैं, तो ये 30 है वो इन सिरों में से, ये किसकी संख्या? सिरों की, सिर, ये किसकी संख्या? सिर, सिर में से ये 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150। 150 क्या है हमारी? मुर्गियां। 150 क्या है हमारी? मुर्गियां। नोट कर लें इसे, इसका आंसर क्या है? गायों की संख्या कितनी है? 30। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 3 पे घात 50, 4 पे घात 40, 5 पे घात 30 और 6 पे घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन संख्याओं में पूछिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? इस पे घात 50 है, इस पे 40 है, इस पे 30 है, इस पे 20 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन घातों में से 10 10 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? फिर 3 पे घात 5 बचेगा। 10 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा? 4 पे घात 4 बचेगा। किसमें से कॉमन ले रहे हैं? घातों में से कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि सब में 10 का भाग जा सकता है। ये सभी क्या 10 के मल्टीपल हैं। इसमें से भी 10 कॉमन लिया तो ये 5 पे घात 3 बचेगा। इस वाले में से भी लिया तो ये 6 पे घात 2 बचेगा। 3 पे घात 5 का मान कितना होता है? 3 पे घात 5 का मान होता है 3 पे घात 3 27, 27 3 81, 81 3 243। मतलब 3 पे घात 5 का मतलब होता है 243। 4 पे घात 4 का मतलब कितना होता है? 4 चौके 16 और 16 गुणा 16 256। मतलब 4 पे पावर 4 कितनी हो गई? ये हो गया 256। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का स्क्वायर होता है 36। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमें? 256। कौन सी संख्या दिख रही है हमें? 256। 256 सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जाती है तो 36। 36 किसकी वैल्यू आई थी? 6 पे पावर 2 की। और 256 किसकी वैल्यू आई है? 4 पे घात 4। मतलब कि ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 4 पे घात 4, मतलब कि 4 पे घात 40। ये क्या है इसका? राइट आंसर है 4 पे घात 40, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। एक संख्या
31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करें। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए कि एक संख्या से उतनी ही बड़ी है जितनी दूसरी संख्या से छोटी है, तो क्या करना चाहिए, इन दोनों को कर लेना चाहिए ऐड, इन दोनों को कर लें ऐड, 31 और 75 इनको कर लें ऐड और दो से लगा दें भाग, कितना हो गया ये 6, 7 और 3, 10, 106/2, 2 से ये कैंसिल कितने बार होगा 53 बार, 53 क्या है इसका आंसर है, 53 वह संख्या है जो 31 से जितनी बड़ी होगी 75 से उतनी ही छोटी होगी। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 53, नोट कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग भी चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 37 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग के 11 गुनी, दूसरे भाग के 11 गुना का कुल योग कितना होना चाहिए 227। क्वेश्चन में बोला है 37 हमारे पास है, इसे दो भागों में बांटना है, तो एक भाग मान लेते हैं हम 37 - x और दूसरा भाग मान लेते हैं x, ठीक है, दो भागों में इसे बांट लिया। पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना, इसे 5 से गुणा कर दो तथा दूसरे भाग के 11 गुना का कुल योग, योग बोल रहा है तो जोड़, किसका 11 गुना दूसरे भाग का, टोटल कितना होना चाहिए ये 227, 227 इनका योग होना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व कर लें तो ये होगा 5 × 15 = 35, मतलब 185 -5x + 11x = 227। 185 को उधर लेके गए, 11x है यहाँ पे, 185 को उधर लेके गए और 11x में से 5x से जाएंगे तो कितने बचेंगे 6x, ये उधर पहुंचा तो 227 में से 185 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 6x = 7 में से 5 गए 2 और 22 में से 18 गए 4, 6x = कितना आ गया 42, x = हो गया ये 42/6, 6 से ये कटा, x = कितना आ गया हमारा 7, x = क्या निकल के आ गया हमारा 7, x = आ गया 7। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, संख्या पूछी गई है, तो जब x = 7 है, x की वैल्यू कितनी है 7, तो 37 - x की वैल्यू कितनी होगी, 37 में से 7 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, मतलब कि दोनों संख्या क्या है, एक 30 है और एक 7 है, 30 का 5 गुना 7 का 11 गुना जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 227। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 30 और 7 वो संख्याएं जिनको इतने गुना और इतने गुना करके जोड़ने पर 227 आएगा, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 अंकों की संख्या 15x1y2, ये संख्या दी है 15x1y2, इसे 44 से विभाजित किया जाता है, ये 44 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान पूछा है, ये जो संख्या है वो 44 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान पूछा है और 44 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे इसे, इसे करेंगे 15x1y2, ये संख्या है, इसे किससे भाग देना है 44 से, 44 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 11, 44 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 11, क्योंकि हमें 4 का रूल पता है, 11 का रूल पता है, 4 का रूल क्या होता है
लास्ट की दोनों संख्याएं, जो लास्ट के दो अंक हैं किसी भी संख्या के लास्ट के दो अंक में अगर चार का भाग जा रहा है तो मतलब वो पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो लास्ट के दो अंक देख लेते हैं, तो ये है लास्ट के दो अंक y और 2, y और 2, y की जगह यदि हम एक मान लें तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में चार का भाग पूरा जाता है, मतलब हम y की जगह एक मान सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, एक मान सकते हैं, तो हमने मान लिया y की जगह एक, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है, 11 से चेक कर लेते हैं। 11 का रूल कहता है सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग करके जो अंतर निकल के आए या तो जीरो होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देख लेते हैं विषम स्थान वाले अंकों का योग, देख लेते हैं 1 + x + 1, मतलब कि 1 और 1 2 और 2 + x, 2 + x ये आ गया विषम स्थान वाले अंकों का योग, ठीक है। 5 और 1 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये हो गया सम स्थान वाले अंकों का योग। अब ऐसी संख्या देख लो x की जगह कि ये 0 हो जाए, 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए, तो हम 0 करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह 6 मान सकते हैं, 6 की जगह x की जगह 6 मान लें, तो 6 और 2 कितना होगा 8, और 8 से 8 पूरी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है 0 आ जाएगा। और 0 आ गया, इसका कहने का मतलब है कि 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है, और 4 से हमने पहले देख लिया y की जगह क्या आया है 1, तो x की जगह हमने लिया 6, तो ये 8 और 8 कैंसिल हो गए, 0 आ गया, तो दोनों से ये विभाजित है। तो क्या पूछा फिर लास्ट में, बोला x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 6, प्लस y की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 1, तो ये कितना हो गया 7 क्या है इसका आंसर है। नोट कर लें इसे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, x का मान क्या होगा ताकि 7 अंकों की संख्या ये दी है इसमें 99 से विभाजित हो जाए। अच्छा x की जगह पूछा है ऐसी कौन सा अंक लगेगा जिससे कि 99 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो 99 से विभाजित करने के लिए हमें ये संख्या क्या है 84, 39, x और 53, ये संख्या इसे किससे भाग देना है हमें 99 से, 99 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 9 गुणा 11, क्योंकि हमें 99 का डिविजिबिलिटी का रूल पता नहीं है, तो 9 से भाग देने के लिए क्या देखते हैं, 9 से भाग तब जाता है किसी संख्या में जब उसके सभी अंकों का योग, ये जितने भी अंक दिए 7 अंक दिए ना, 7 अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 से विभाजित है ये पूरी संख्या, 11 का तो अभी हमने कराया है, तो देख लेते हैं क्या ये 9 से विभाजित हो रही है, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 और 9 24, एक्स को अभी छोड़ दो, 24 और 5 29, 29 और 3 32, कितना आ रहा है सभी अंकों का योग 32, लेकिन अभी एक अंक बचा हुआ है एक्स की जगह कोई अंक बचा हुआ है, वही हमें पता करना है कि क्या आएगा। तो एक्स की जगह हम क्या रख लें कि ये 9 से विभाजित हो जाए, एक्स की जगह हम यदि 4 रख लें तो ये 32 और 4 36 हो जाएगा, तो ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी संख्या 9 चौके 36। एक्स बराबर यदि हम 4 मान लें, तो क्या देखते हैं कि 11 से भी ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स की जगह मान लिया हमने कितना 4, एक्स की जगह मान लिया हमने 4, अब इसे 11 से करके देख लेते कि 11 से भी विभाजित होगी 4 मान के, तो पहले विषम स्थान वाले अंक 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 3 18, सम स्थान वाले अंक 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 से 18 कैंसिल, मतलब 0 आ रहा है, ये मतलब कह सकते हैं कि ये 11 से भी विभाजित है। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर 4, x बराबर 4 लेने से ये 9 से भी विभाजित हो रही है और 11 से भी पूरी तरीके से विभाजित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी,
नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये संख्या दी है इसे 72 से विभाज्य, ये संख्या दी है और बोला ये 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है तो वाई के अधिकतम मान के लिए, यहां पे गौर करना, वाई के अधिकतम मान के लिए 7x+2y का क्या मान होगा, किसके अधिकतम मान के लिए, वाई के अधिकतम मान के लिए। तो वाई के अधिकतम मान के लिए जब भी हम इस अधिकतम मान की बात करें या न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में 0 से स्टार्ट करते हैं और अधिकतम में हमेशा 9 से स्टार्ट करते हैं, और 9 से बड़ी संख्या कभी भी हम मान नहीं सकते हैं। एक्स या वाई जैसे अंकों के स्थान पर हम जैसे अंकों की बात करें तो कभी भी 9 से बड़ी कोई संख्या वहां पे नहीं मान सकते, क्योंकि वो दो अंकों की संख्या हो जाती है और हमें चाहिए केवल एक अंक की संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो 9 सबसे अधिकतम वैल्यू है, तो हम क्या ये संख्या है 8 8, और एक्स 5 3 और वाई और 4 53 y 4, ये संख्या है, इसे भाग देना कितने से, 72 से। 72 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8 × 9, 8 × 9 लिख सकते हैं, 8 × 72। तो 8 से भाग देने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में भाग चला जाए तो समझ लो कि वो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। किससे चेक कर रहे हैं, 8 से, तब ये रूल काम आता है। तो लास्ट के 3 अंक क्या है हमारे, लास्ट के 3 अंक हैं 3y4, लास्ट के 3 अंक क्या है, ये है 3y4। इसमें 8 से भाग देने के लिए अब y की जगह हमें कौन सा मान लेना पड़ेगा, अधिकतम मान। तो यदि हम 9 लेते हैं y की जगह यदि हम 9 लेते हैं तो अब भाग देंगे इसमें, तो 8 × 32, 32 बचे कितने, 7 7 आगे गए, ये 74 हो गए, तो 8 × 72, इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसे हटाएं, इसकी जगह 8 मान के देख लेते हैं y की जगह, 8 × 32, 6 बच रहे हैं, 6 आगे जोड़ दिए, 64 हो गए, टोटल 64। मतलब कि y की जगह यदि 8 मान लें तो ये 8 से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो रही है, ये वाली संख्या 8 से, तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। y की जगह क्या मान लिया हमने, 8, y की जगह क्या माना है हमने, 8। अब 9 से भाग देने के लिए जो अभी अपनाया था फंडा वही अपनाते हैं, 8 × 16, 8 × 3 = 24, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो मतलब वो संख्या क्या है, 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 29, 29 × 3 = 32, 8 = 40, 40 × 4 = 44, ये कितने हो गए, 44। बचा क्या है अभी, x, x को हमने ऐड नहीं किया है, तो 44 + x पूरी वैल्यू आ गई। y की जगह तो 8 मान लिया है हमने, x की जगह अब क्या मानना है कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, किससे, 9 से। तो y बराबर x बराबर क्या मान लें, 1, तो 44 × 1 = 45, ये क्या हो गया, 45, 45 9 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 है और y बराबर क्या है हमारा, 8। x बराबर 1 आ रहा है, y बराबर क्या आ रहा है, 8, और पूछा क्या है इसने, क्वेश्चन में बोला है 7x + 2y, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 7x की जगह 1 रखेंगे तो ये 7 बन जाए, 7 प्लस लगाए 2, और y की जगह अगर 8 रखेंगे तो 2 8 जाए कितना होता है, 16, ये कितना हो गया, 23, 23 क्या है आपका, ये आंसर है, 23 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 23 इसका आंसर है y के अधिकतम मान के लिए, ठीक है, y के अधिकतम मान के लिए कितना आंसर आ रहा है, 23। x की कोई बात की नहीं गई है हमसे कि x का अधिकतम मान लेना या न्यूनतम, जब कोई बात नहीं की जाती है तो हम न्यूनतम से स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, 1000 से कम कितनी संख्या है, 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं,
क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है, 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 5 से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी, या फिर 7 से हो जाए, लेकिन उनमें से कोई भी संख्या 35 से नहीं होनी चाहिए डिवाइड। तो देख लेते हैं क्या बोला, 1000 से कम की बात कर रहा है, मतलब 999 तक की बात कर रहा है, 999 तक। तो पहले 5 से देख लेते कितनी संख्या विभाजित होती है 999 में, 999 में 5 से देख लेते हैं, पांच से भाग देंगे 999 में, तो पूरा पूरा भाग चला जाए बस ये देखना, और जो रिमाइंडर बचे उसे छोड़ते जाना है, तो वही हमारी संख्या निकल आती है। 5 × 5 चार बचे, चार इधर आ गए, 5 × 45 चार बचे, चार इधर आ गए, 5 × 45 जो रिमाइंडर वगैरह बचा हुआ उसे खत्म छोड़ दो, ठीक है। 199 कितनी संख्या आ गई, 199 पांच से विभाजित होने वाली, 999 तक में 199 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। अब देख लेते हैं 7 से 999 तक कितनी हो रही हैं, 7 × 7 दो बचे, 7 × 4 = 28, एक बचा, 7 × 2 = 14, 142 संख्याएं ऐसी हैं 999 तक जो 7 से विभाजित हो रही हैं। क्वेश्चन में बोला 5 या 7 से तो विभाजित हो लेकिन 35 से नहीं हो, तो क्या हम गौर करके देखें 199 जो ये संख्याएं आई हैं इनमें 35 भी तो होगी, 199 जो संख्याएं आई हैं इनमें 35 भी होगी क्योंकि वो तो 5 से विभाजित हो रही है ना, 70 भी होगी, 105 भी होगी, 140 भी होगी, ये भी संख्या तो होंगी क्योंकि ये 5 से विभाजित हो रही है, ये इधर भी होंगी, ये इधर भी होंगी, दोनों तरफ होंगी क्योंकि ये 7 से भी विभाजित हो रही है, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 70, 7 × 7 = 105 भी हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन में इसने मना कर दिया कि 35 से विभाजित नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, जो 35 से विभाजित हो रही है उन संख्याओं को इनमें से घटा देते हैं। तो पहले 999 तक में ये देख लो 35 से कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित होती हैं, तो 35 × 1 = 35 × 2 = 70, 35 × 2 = 70, 9 × 299 बचे, 35 × 8 आठ बार जाएगा इसमें, मतलब 28 संख्याएं हैं 999 तक जो 35 से विभाजित हो रही हैं, और ये हमें इसमें शामिल नहीं करनी है क्वेश्चन में क्योंकि इसने मना कर दिया है। तो 28 इधर भी होंगी, 28 इधर भी होंगी सात वाली तरफ, तो मतलब हमें कितनी घटानी है, दोनों का ऐड करके 9 × 2 = 11, 1 बचा 9 × 4 = 13, 1 × 14, 1 बचा 1 = 2 और 3, इसमें से घटानी कितनी है, 56 संख्याएं, कितनी घटानी है, 56 संख्याएं, क्यों, 28 पांच वाली साइड में भी है, 28 सात वाली साइड में भी होंगी क्योंकि इधर भी 35 70 105 होंगी, इधर भी 35 70 105, 5 से वो भी विभाजित हो रही है, 7 से भी वो विभाजित हो रही है, इसलिए दोनों तरफ ये 35 वाली जो फैक्टर है वो हमें ऐड नहीं करनी है, वो घटानी है। तो 56 संख्या घटा दो इसमें से, 11 में से 6 गए 5, 13 में से 5 गए 8, 285 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से या 7 से तो विभाजित होंगी 999 तक, लेकिन 35 से नहीं होंगी, ठीक है। नोट करने से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रीवियस इयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। 5 क्रमिक पूर्णांक 5 संख्या जो लगातार वाली हो, कोई भी संख्या मान लो चाहे, तो हमने मान ली 1, 2, 3, 4 और 5 लगातार संख्याएं, इनका योग,
इनका योग दिया कितना है एस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है हमें, एस दिया है। तो हम जब इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसा आएगा, पांच। हमेशा एवरेज बीच वाली संख्या आती है, बीच वाली संख्या आती है, करके भी देख लेते हैं। पांच और चार नौ, और तीन बारह, बारह और तीन पंद्रह। एवरेज निकालते कैसे हैं, एवरेज निकालते कैसे हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याओं का योग तो पंद्रह आ गया, कुल संख्या कितनी है पांच, पांच से ये कटा, ये आ गया तीन, मतलब बीच वाली संख्या आ गई। ये हमने करके दिखाया है, आपको नहीं करना है, बस समझाने के लिए करके दिखाया है। क्वेश्चन में हमें योग दिया है एस, पंद्रह नहीं दिया है, योग दिया है एस। जब इसका एवरेज निकालेंगे तो योग बट्टे कुल संख्याएं, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एवरेज, एवरेज आ गया। ये क्या आ गया हमारा एवरेज। अब क्वेश्चन में बोला है बड़ा पूर्णांक मतलब कि पांच इससे किस प्रकार संबंधित है, तो ये आ गया एवरेज। एवरेज कहने का मतलब बीच वाली संख्या, तीन आ गई, मान के चलो तीन आ गई है, तो तीन से ये कैसे संबंधित है, तीन से ये दो जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, तीन में ये दो बढ़कर है, चार और पांच, तो इसमें भी दो ऐड कर दो, एस अपॉन फाइव प्लस टू। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एस प्लस टेन अपॉन फाइव, एस प्लस टेन अपॉन फाइव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आपका, एस प्लस टेन अपॉन दिख रहा है आपको, एस प्लस टेन अपॉन फाइव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को देख तो लेते हो पर लाइक, जो लाइक और कमेंट है वो बहुत कम होती हैं। मैं आप लोगों के लिए जीएस की भी वीडियो इसी चैनल पे लाता हूँ, मैथ्स की भी वीडियो लाता हूँ, तो दो दो क्लासें ले रहा हूँ आपकी, दो दो सब्जेक्ट की, तो पता है मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते, तो बस थोड़ी सी एक लाइक का बटन ही तो दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न का हर उसके अंश से तीन अधिक है, भिन्न का हर उसके अंश से तीन अधिक है, यदि अंश में सात की वृद्धि कर दी जाए और हर में दो की कमी कर दी जाए तो परिणाम में दो प्राप्त होता है, उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग कितना होगा। क्वेश्चन में बोला एक भिन्न है, उसका हर है उसके अंश से, भिन्न मान ली हमने एक्स, अंश से तीन अधिक है, क्या हर, अंश क्या है हमारा एक्स, अंश है हमारा एक्स, हर है इससे तीन अधिक, मतलब एक्स प्लस थ्री कर लिया। यदि अंश में सात की वृद्धि कर दी जाए, अंश में सात की वृद्धि कर दी जाए और हर में दो की कमी कर दी जाए, मतलब घटा दें, तो परिणाम क्या आ रहा है हमारा, दो आ रहा है। सॉल्व कर लें इसे, एक्स प्लस सेवन, तीन में से दो गए एक, मतलब एक्स प्लस वन बचा, बराबर दो, दो के नीचे एक मान लें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया एक्स प्लस सेवन, एक का गुणा इधर करेंगे एक्स प्लस सेवन, टू का गुणा इधर की साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, एक्स वाले एक साइड में कर लो तो ये हो गया एक्स माइनस टू एक्स, बराबर सात उधर ले गए तो टू माइनस सेवन, हो गया माइनस एक्स बराबर माइनस पांच, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब कि एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, ये एक्स बराबर आ गया पांच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया पांच। क्वेश्चन में क्या बोला, भिन्न के अंश और हर दोनों का योग पूछा है, भिन्न हमने क्या मानी थी, एडजेक्ट भिन्न क्या मानी थी हमने, इतनी मानी थी, ठीक है, एक्स और हर में तीन ज्यादा है तो एक्स प्लस थ्री, तो x की जगह रख दो कितना पांच, x की जगह रख दो
एक्स की जगह रख दो पांच और इसमें तीन ऐड करके मतलब हर क्या हो गया आठ, और इन दोनों के अंकों का योग पूछा है आठ और पांच तेरह, तेरह ही क्या ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हमने जो फ्रैक्शन मानी थी वो क्या मानी थी, एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अंश से तीन अधिक है क्या, हर हर तीन ज्यादा है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, किसका भागफल का चार गुना है और शेषफल का दो गुना, यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हो, तो ऑप्शन दिए हैं आपको, ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हो तो बताना है कौन सी इक्वेशन इसमें सेट होगी। तो विभाजन के एक प्रश्न में विभाजित विभाज्यता का सूत्र क्या होता है, हमने बताया है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला हमने बताया है आपको प्रैक्टिस सेट वन में। अब जो बोला है उसी की जगह उसकी वैल्यू रखते जाओ, पहले तो यहां देख लो ए और बी क्रमशः क्या है भाजक और भाज्य, मतलब ए भाजक है, ए रख लिया भाजक के नीचे, भाज्य क्या है बी, बी रख लिया भाज्य के नीचे। अब क्या बोला है भाजक मतलब कि ए भागफल का चार गुना है, तो गुणा लगा लो पहले, तो इसका भागफल का चार गुना है मतलब कि ये ए वाई फोर हो गया, भागफल कितना हो गया ए वाई फोर, कैसे हो गया वो भी समझ लो, भागफल है मान के चलो ए वाई फोर, इसका चार गुना है क्या भाजक, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया यहाँ पे भाजक भागफल का चार गुना है, और ये भागफल है ए वाई फोर, इसका चार गुना है भाजक, तो चार से चार कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास ए, तो भाजक आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से शेषफल के लिए भी बोला है शेषफल का दो गुना है, प्लस लगा दो शेषफल का दो गुना है कौन भाजक, ये इक्वेशन सॉल्व कर लो तो ये हो गया बी बराबर ये हो गया ए स्क्वायर बट्टे चार प्लस ए बट्टे दो, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बी बराबर चार, चार का एक चार एकन चार ए स्क्वायर बचा प्लस दो से ये दो बार जाएगा, दो एकन दो, दो दूनी चार टू ए हो गया ऊपर, ये आ गया आपका b बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए अपॉन फोर। देख लेते हैं ऑप्शन में कहां पे ये मैच हो रहा है, यहां बट्टे में एक है, यहां बट्टे में a है, a बट्टे में आ नहीं सकता, या तो चार आएगा या b आएगा, ठीक है। यहां पे भी ये है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहां पे बट्टे में कुछ है नहीं है, लेकिन यहां पे टू ए प्लस वन है, जब इसको खोलेंगे तो ये फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन आपका क्या बचा है डी, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा इसे ओपन करके लिख दिया गया है, ऑप्शन में इसे थोड़ा सा ओपन कर दिया है, तो ओपन कर लेते हैं इसे। इसने क्या कर दिया ऑप्शन में, इसने ऑप्शन में इसमें कर दिया है, पहले तो इसमें से कॉमन लिया है ए स्क्वायर प्लस टू ए में से ए कॉमन लिया, तो ए प्लस टू हो गया, बी को नीचे लाया है, ए चार को उधर लेकर पहुंचाया है, तो बी नीचे आया है और चार बराबर के साइड में, तो ये आ गया है, ठीक है। ए ए प्लस टू अपॉन बी इक्वल फोर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब चार से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है तीन, तदनुसार 2n को चार से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। n एक पूर्ण संख्या है, इसे किससे भाग दें चार से, तो क्या आ जाता है तीन रिमाइंडर, तीन तीन रिमाइंडर आ जाता है, जब भी हम
हमने प्रैक्टिस सेट वन या फिर टू में हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, जब भी इस टाइप से इक्वेशन आ रही है तो नीचे वाले अंक से इसे जोड़ दें, रिमाइंडर को इससे जोड़ दें, किससे, भाजक से, तो एन बराबर निकल के आ जाएगा, एन बराबर क्या हो गया 7। अब जो बोला है वो कर दो, क्या बोला, 2n को 4 से, 2n को 4 से भाग दें, तो 2n मतलब कि 2 इंटू एन की जगह 7 इसे भाग दे दें 4 से, इसे भाग दे दें 4 से, तो कितना 7 × 2 = 14 / 4, रिमाइंडर कितना आएगा, ये 7 × 12 2 आ गया आपका, 2 आ गया आपका रिमाइंडर, 2 आ गया आपका रिमाइंडर, नोट कर लें इसे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 आ जाएगा और शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या हमसे पूछी है। कहने का मतलब क्या है, दो संख्याएं हैं उनमें से बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो दो संख्या हमने मान ली x और y, ठीक है, ये बड़ी मान ली, ये छोटी मान ली, कोई सी भी मान सकते हो, छोटी बड़ी, ठीक है, x बड़ी मान ली, y छोटी मान ली। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के 3 गुने को, मतलब कि ये 3x, 3 गुना हो गया, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दें, छोटी संख्या मतलब y से, तो भागफल और शेषफल दोनों ही कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो भागफल 6 आएगा और 6 ही क्या आएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है, भागफल 6 आ रहा है और शेषफल भी आपका 6 आ रहा है। यदि हम इसे अभी जो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाला जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो ये तो होता है भाज्य, ये क्या होता है भाज्य, तो ये हो गया 3x, ठीक है, भाजक गुणा भागफल, भाजक क्या है y और भागफल क्या है 6, तो भाजक गुणा भागफल मतलब कि ये हो गया 6y, ठीक है, प्लस शेषफल प्लस 6, ये हो गया उस बेस उस फॉर्म में जो अभी हमने बताई थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, इसे हटा रहा हूं मैं, इसी तरीके से यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। पहले तो इसे पूरा एक इक्वेशन बना लो, 3 कॉमन ले लो, यहां से 3 कॉमन ली तो ये बचा x, यहां पे 2y बचा, 2y को इधर लेके आए तो ये बचा -k2y, ठीक है, और उधर क्या बचा 2, ये कैसे बचा समझ में आया, 3 कॉमन ले लिया तो यहां पे x बचा, यहां पे 2y बचा, यहां पे 2 बचा, 2y को हम इधर ले आए हैं और जो 2 रह गया वो उधर की उधर रहने दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन होगी हमारी 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के अनुसार देखते हैं, सेकंड में क्या बोला, छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या क्या है y, तो इसी तरीके से इसे देख लेते हैं, 5y, ये तो हो गया भाज्य, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए जिससे भाग देते हैं वो क्या हो जाता है भाजक, तो भाजक क्या है हमारा x, ठीक है, तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है, तो भाजक गुणा भागफल होता है, तो ये x भाजक है, भागफल 2 है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट 2x, ठीक है,
प्लस थ्री, ये आ गई हमारी क्या इक्वेशन दूसरी, ये 5y - 2x = 3, ये आ गई हमारी इक्वेशन दूसरी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कर लो सॉल्व। y की वैल्यू चाहिए तो x हटा दो, x की वैल्यू चाहिए तो y हटा दो, किसी को भी हटा दो जो इजी लगे। तो हम ऐसा करते हैं x को काट देते हैं, तो इसमें कर देते हैं 2 का गुणा, क्योंकि हमें x बराबर करनी है, 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 4y = 2×4। ठीक है, 2x प्लस का है ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 में से 4 गए, मतलब कि 1y बचा, y बराबर 3 और 4 7, y बराबर क्या आ गया हमारा, y बराबर निकल के आ गया 7। क्वेश्चन में क्या पूछा, बड़ी संख्या क्या है, तो y की वैल्यू यहां पे रख दो, y की वैल्यू यहां पे रख दो, तो ये हो गया 7×5 35, y इसकी जगह पे रख दिया, y की वैल्यू को -2x = 3, 35 को उधर पहुंचाया तो इधर क्या बचेगा 2x = 3 - 35, 3 में से 35 गए तो ये क्या बचा 2x - 32, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 32 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 16। क्वेश्चन में हमसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, बड़ी संख्या आ गई 16, और छोटी संख्या पूछी जाती तो कितनी आती, y बराबर 7। नोट कर लें इसे, छोटी और बड़ी दोनों संख्या निकल के आ गई, बड़ी संख्या a बराबर क्या आ गया 16, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, x बराबर 16। नोट करें इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या हम कैसे बनाते हैं, 10x + y। ठीक है, इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच जो अंतर है वो कितना है, 9, मतलब कि अंतर के लिए माइनस, क्या बोल रहा है, दोनों अंकों को बदलने के बाद, तो x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, और अंतर कितना दे रहा है ये 9, बीच का अंतर है कितना 9। सॉल्व कर लें इसे, हो गया 10x + y - 10y - x = 9, 10x में से x गए ये हो गया 9x, -10 में से y गए माइनस के 9y = 9, 9 कॉमन लिया हमने तो x - y = 9, 9 से 9 कैंसिल, मतलब कि x - y = क्या आ गया 1, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो x - y = क्या आ गया 1। और क्वेश्चन में यही पूछा दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, दोनों अंकों के बीच 1 का अंतर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। पहले तो बात कर लेते हैं 2 अंकों की, तो अंक क्या है हमारे x और y मान लिए, तो इनका योग कितना है 7, यह मान लिया हमने x + y 2 अंक हैं, इनका योग है 7, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या हमने क्या मानी, मूल संख्या मान ली हमने 10x + y, ये मान ली हमने क्या मूल संख्या। अंकों को पलट दें, x की जगह y ले आए, y की जगह x, ये हो गया, अंकों को पलट दिया,
पलटने के बाद नई संख्या में जो ये नई संख्या बनी है इसमें तीन जोड़ने पर, कितना तीन जोड़ने पर मूल संख्या की चार गुनी हो जाती है। मैथ करने का सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन में जो बोल रहा है सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ, आपका क्वेश्चन लगभग 90% सॉल्व हो जाएगा। मूल संख्या की चार गुनी हो जाती है, मतलब किसकी चार गुनी हो जाती है, इसकी। ये मूल संख्या मानी थी हमने, सॉल्व करने से हो गया 40, क्या दम 40, 40x प्लस 4y बराबर ये 10y प्लस एक्स प्लस तीन। ये वाई और एक्स को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स प्लस 4y दिया है इधर पहले से ही, माइनस ये इधर आया तो 10y हो गया, उधर कितना रह गया 3, ये कितना हो गया 39। 40 में से एक एक्स गया तो कितना बचा 39x माइनस, माइनस के ज्यादा हैं 10 में से 4 गए तो ये बचा 6y और 3। ये क्या है, ये दूसरी इक्वेशन बना ली, ये क्या थी, ये पहली इक्वेशन थी। अब इन दोनों को कर लो सॉल्व, या फिर ऐसा कर लेते हैं इसे थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, क्योंकि 39 6 और 3 इन सभी में क्या है, 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 13x माइनस 2y इक्वल 1, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। 3 यहां से कॉमन लिया तो ये 13x माइनस 2y इक्वल 1। अब कर लेते हैं सॉल्व, 13x हमें x हटाना है तो यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y हटाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ज्यादातर ऐसा देखते हैं कि छोटे से छोटी कैलकुलेशन करनी पड़े, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 14, 2x प्लस 2y इक्वल 14। पूरी इक्वेशन में क्या किया हमने, 2 से गुणा कर लिया, और ये नीचे इक्वेशन क्या दी हमारी, 13x माइनस 2y इक्वल 1। अब देख लेते हैं ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस और ये कैंसिल हो गए प्लस वाले, 2x और 13x कितना हो गया, ये हो गया 15, 14 और 1 15, 15 से 15 कैंसिल तो x बराबर कितना आ गया 1, 15 से 15 कैंसिल हो गए तो x बराबर क्या आ गया 1, x की जगह पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रखा तो ये उधर पहुंचा तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6। x बराबर 1 आया है, 1 को x की जगह पे रखेंगे फिर इस 1 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 7 माइनस 1 हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, मूल संख्या पूछी है, मूल संख्या क्या है, ठीक है, मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या हमने क्या मानी थी, मूल संख्या मानी थी ये, मूल संख्या क्या मानी थी ये, मतलब x दहाई की जगह पे होगा, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1 होगा दहाई की जगह, ठीक है, y इकाई की जगह तो y होगा इकाई के अंक की जगह, तो मतलब कि 16, 16 क्या है हमारी मूल संख्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ इसी चैनल पे आर आर अकेडमी पर, चलिए टेक केयर, बाय।